हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। सो इसमें फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस या फिर मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। सो साइन एंड सिम्टम्स मीन्स क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। सो इसको डिस्कस करने से पहले हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस क्या होता है। सो मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होता है हार्ट के लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। सो ये वाला जो वॉल्व है ये क्या है, ये है मिट्रल वॉल्व। सो ये वॉल्व मिट्रल वॉल्व और इसको बाइकस्पिड वॉल्व या फिर लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी बोलते हैं। नाउ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का मतलब है कि इस वॉल्व की नैरोइंग हो जाना। सो नैरोइंग कब होगी, जब ये वॉल्व स्कारिंग हो जाएगी, इसमें थिकनिंग हो जाएगी किसी वजह से और ये रिजिड हो जाएगा और जब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, जब ये स्कार और थिक हो जाएगा। या फिर कई केसेस में ये जो वॉल्व है ये पार्शली फ्यूज़ होता है, जैसे कि हमने कॉन्जेनाइटल में देखा था लास्ट वीडियो में। सो मिट्रल वॉल्व जब नैरो हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ पाएगा। अगर नैरो होगा तो मतलब बहुत कम ब्लड ही जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में अगर ब्लड नहीं जाता तो लेफ्ट एट्रियम में ही ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट होगा, जब वो आगे नहीं जाएगा ब्लड, तो यहाँ पर ब्लड की स्टेसिस हो जाएगी, जिससे जो लेफ्ट एट्रियम है उसका साइज एनलार्ज हो जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम का साइज एनलार्ज होगा और इसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो बैकफ्लो जाएगा, किसमें, पल्मोनरी वेन में। सो पल्मोनरी वेन में जब ब्लड बैकफ्लो जाएगा तो इसका मतलब लंग्स में जो ब्लड है वो फिल होने लग जाएगा, लंग्स में पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा। सो पल्मोनरी कंजेशन की वजह से क्या होता है, जब लंग्स में ब्लड अगर लेफ्ट एट्रियम से आगे ब्लड नहीं जा रहा है, इट मीन्स लेफ्ट एट्रियम से ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा लंग्स में जाएगा। जब दोबारा लंग्स में जाएगा तो इट मीन्स लंग्स के थ्रू दोबारा से जो राइट वेंट्रिकल उसमें ब्लड जाएगा, तो राइट साइडेड हार्ट फेलियर होने के भी चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन मींस लंग्स में जो कंजेशन है ब्लड की वो होने लग जाएगी। तो अगर लंग्स में प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्टी ब्रीदिंग होगी, राइट। अगर लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज हो गया, इसमें ब्लड की स्टेसिस हो गई है, स्टेसिस मतलब यहीं पर ब्लड रुक गया है, आगे फ्लो नहीं हो पा रहा, तो लेफ्ट एट्रियम में क्लोटिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसका साइज एनलार्ज हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम का, तो क्या होगा, यहाँ पर जो कंडक्शन है उसमें प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन होने लग जाएगी। एट्रियल फिब्रिलेशन मीन्स जो लेफ्ट एट्रियम का जो हार्ट बीट है वो इरेगुलर हो जाएगी और फास्ट हो जाएगी। सो एट्रियल फिब्रिलेशन भी होगी, प्लस अगर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं जा रहा, सो लेफ्ट वेंट्रिकल से फर्दर आयोटा में भी ब्लड नहीं जाएगा, तो आयोटा में भी ब्लड नहीं जाएगा, कम जाएगा, तो हमारे जो टिश्यूज़ हैं उनको भी ब्लड कम जाएगा, टिश्यू को परफ्यूजन कम होगी, वहाँ भी ब्लड कम जाएगा। और ये सभी क्या इंडिकेट करते हैं, जब ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा, हार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो हार्ट फेलियर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो ये सभी चीज़ें होती हैं मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में। अब इनको हम डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप और वन बाय वन कि क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में। सो फर्स्ट आता है हमारा हार्ट फेलियर सिम्टम्स। सो हार्ट फेलियर सिम्टम्स इसलिए आएंगे क्योंकि जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आगे नहीं जा रहा लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की भी जो कैपेसिटी है कॉन्ट्रैक्ट करने की वो भी कम हो रही है। ऊपर से जो लेफ्ट एट्रियम है उसका साइजिंग एनलार्ज हो रहा है, वहाँ पर एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है और ब्लड क्या है अच्छे से फ्लो नहीं कर रहा, हार्ट को और ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को पुश करने के लिए, इसलिए हार्ट फेलियर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। जब हार्ट फेलियर होगा तो क्या क्या चांसेस आएंगे, क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। हार्ट फेलियर होने से क्या होगा कि एक तो हमारी बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा, बॉडी को ब्लड नहीं जाएगा मीन्स बॉडी को ऑक्सीजन नहीं जाएगी, जो हमारे लंग्स हैं उनमें भी कंजेशन होगी। तो क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, डिस्निया, सबसे कॉमन सिम्टम डिस्निया इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। सो ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होगी और स्पेशली तब डिफ़िकल्टी होगी अगर आपने एक्सेसिव एक्सरसाइज की है या फिर आप फ्लैट लाई कर रहे हैं, आप लेटे हुए हैं, तब ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी। और ये जो सिम्टम है ये स्लोली प्रोग्रेस होंगे। इनिशियल स्टेज पर हो सकता है कि आपको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस में कोई सिम्टम ना आए, लेकिन जैसे ही सीवियरिटी बढ़ती जाएगी डिसीज़ की, सिम्टम सीवियर होते जाएंगे। और इवन सीवियरिटी पर क्या होगा, जब स्टेज और ज़्यादा सीवियर हो जाएगी, क्रिटिकल हो जाएगा मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, तो डिस्निया मीन्स डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग रेस्ट पर भी आपको तब देखने को मिलेगी। इवन अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की, इवन अगर आपने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो, आपको थोड़े से काम में ही डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होने लग जाएगी। सपोज़ आपने एक ग्लास पानी लिया है, या फिर आपने कोई थोड़ा सा भी जिसमें आपका एनर्जी लगी है, थोड़ी सी भी, तब भी आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। तो ये सीवियर स्टेज पर होगी। फर्स्ट आता है डिस्निया, देन उसके बाद ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया क्या होता है? डिस्निया व्हेन लाइंग फ्लैट, जब आप फ्लैट लेटे होते हैं तब आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है। नाउ ये क्यों होती है? जब आप फ्लैट लेटते हैं तो क्या होता है कि जो पल्मनरी कंजेशन है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जब पल्मनरी कंजेशन इंक्रीज़ होगा, क्योंकि क्या होगा, जब आप फ्लैट लेटेंगे तो जो पल्मनरी वेंस के थ्रू लंग्स में बैक फ्लो जा रहा है ब्लड, वो इंक्रीज़ होगा और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इंक्रीज़ होगी। जैसे ही आप बैठते हैं, जैसे ही आप अपराइट पोजिशन में बैठेंगे तो पल्मनरी फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, लंग से ब्लड आगे आएगा लेफ्ट एट्रियम में, वो थोड़ा रिलीफ मिलता है। तो अपराइट पोजिशन में ब्रीदिंग में रिलीफ मिलता है। वेयर एज जब आप फ्लैट लाई करते हैं तो डिस्निया बढ़ जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग बढ़ जाती है, जिसको बोलते हैं ऑर्थोपनिया। नेक्स्ट आता है पैरोक्सिजमल नॉक्चुर्नल डिस्निया, जिसको पीएनडी बोलते हैं, दैट इज पैरोक्सिजमल नॉक्चुर्नल डिस्निया। ये क्या होता है? नॉक्चुर्नल का मतलब है नाइट टाइम पर डिस्निया। तो ये तब होता है जब आप नाइट पर सोए होते हैं, जब आप सो रहे होते हैं रात को, तो उस टाइम पर क्या होता है कि आपको ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, ज़्यादा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है और कफिंग भी होती है साथ में। तो ये सभी तभी होता है जब आप लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि आप रात को जब सोते हैं तो आप फ्लैट लाई करते हैं काफ़ी टाइम के लिए, तो फ्लैट लाई करने के कारण आपको डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होती है और कफिंग भी होती है, जिसके कारण आपकी स्लीप डिस्टर्ब होती है, जिसको बोलते हैं पीएनडी। सो ये सभी जो सिम्टम्स हैं ये किसके हैं? हार्ट फेलियर के सिम्टम हैं। नेक्स्ट आता है फटीग, थकावट, बहुत ज़्यादा थकावट, टायर्डनेस भी, थकावट होगी आपको, डिजीनेस, इवन चक्कर भी आएंगे, स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज एंड इन प्रेगनेंसी। स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज इसलिए बिकॉज जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो एनर्जी एफर्ट है वो ज़्यादा लगता है, हार्ट को ज़्यादा फंक्शन करना पड़ता है टिश्यूज़ को ब्लड पहुंचाने के लिए, इसलिए स्पेशली आफ्टर एक्सरसाइज और इन प्रेगनेंसी भी। प्रेगनेंसी में जब बेबी होगा वॉर्म में तो उसको भी कार्डियक आउटपुट की ज़रूरत ज़्यादा है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ करवाना पड़ेगा क्योंकि उसको भी ब्लड चाहिए। सो इसलिए प्रेगनेंसी और एक्सरसाइज में ये सिम्टम्स और ज़्यादा विजिबल होते हैं, दैट इज़ फटीग, डिजीनेस और टायर्डनेस। इवन आप अगर स्मॉल वर्क भी कर रहे हैं, अगर ये सीवियर स्टेज पर पहुंच गया मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, तो थकावट आपको छोटे छोटे काम में भी होने लग जाएगी। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बिफोर प्रेगनेंसी नहीं पता लगता कि उनको मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पर उनके जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा विग्रस हो जाते हैं, ज़्यादा प्रोग्रेस हो जाते हैं। सो प्रेगनेंसी में मैंने रीज़न पहले ही बता दिया क्यों होगा। नेक्स्ट इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जैसे कि एंजाइना का होता है। सो चेस्ट पेन इसलिए होगा लेफ्ट एट्रियम में ब्लड एक्यूमुलेशन होने के कारण, क्योंकि आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, जो हार्ट है उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए चेस्ट पेन भी होगी। नेक्स्ट इज पाल्पिटेशंस। पाल्पिटेशन मीन्स जब पर्सन को अपनी हार्ट बीट खुद सुनाई देती है, मीन्स पर्सन इज़ अवेयर ऑफ हिज और हर हार्ट बीट। बहुत ज़्यादा इरेगुलर और ऐसे हार्ट बीट सुनाई देती है जैसे कि कोई बीट बीच में स्किप हो गई हो, दैट इज़ पाल्पिटेशन। सो पाल्पिटेशन क्यों पता लगेगी? बिकॉज ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। सो एट्रियल फिब्रिलेशन मतलब जो एट्रिया है लेफ्ट एट्रियम, उसकी जो हार्ट बीट है वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो गई है, बिकॉज लेफ्ट एट्रियम का जो साइज़ है वो भी एनलार्ज हो गया है, प्लस इसमें प्रेशर इंक्रीज़ हो गया है, ब्लड की एक्यूमुलेशन होने के कारण प्रेशर इंक्रीज़ होने की वजह से एट्रियल फिब्रिलेशन हो रही है, जिसकी वजह से पाल्पिटेशंस हो रही है। नेक्स्ट इज थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बो एम्बोलिज्म या फिर आप सिंपली बोल सकते हैं क्लोट फॉर्मेशन। तो अगर लेफ्ट एट्रियम में ब्लड की स्टेसिस हो जाएगी, स्टेसिस मीन्स ब्लड यहीं पर एक्यूमुलेशन हो गई है, वहीं पर खड़ा है ब्लड, आगे जाने में प्रॉब्लम हो रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रॉब्लम हो रही है ब्लड को जाने में, फ्लो होने में, क्योंकि मिट्रल वॉल्व नैरो हो गया है। तो जब ब्लड एक ही जगह पर स्टेसिस होने लग जाती है उसकी, तो वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, प्लस जो लेफ्ट एट्रियम है उसकी भी जो कंट्रैक्शन पावर है उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ब्लड यहाँ पर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, क्लॉट फॉर्मेशन के चांसेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ स्टेसिस ऑफ ब्लड इन लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट आता है हीमोप्टाइसिस। या फिर हीमोप्टेसिस। हीमोप्टेसिस क्यों होगा? हीमोप्टेसिस जब आप कफ करते हैं आपके स्पूटम में ब्लड आता है, वो इसलिए होगा क्योंकि जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड बैक फ्लो होगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये जो ब्लड है वो वापस लंग्स में जाएगा, तो लंग्स की जो वेन्स हैं उनमें कंजेशन हो जाता है। जब लंग्स की वेन्स में कंजेशन होता है तो वहाँ की जो स्मॉल कैपिलरीज होती हैं वो बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो बर्स्ट होने के कारण जब आप कफ करते हैं तो स्पूटम में भी ब्लड आता है, दैट इज़ हीमोप्टेसिस। Next is ascites and edema in legs, ankles. एसाइट्स मीन्स जब आपका एब्डोमिनल कैविटी में ब्लड या फिर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, तो एसाइट या फिर पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। एडीमा इन लेग्स एंड एंकल्स, जब आपकी एंकल्स और लेग्स में भी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, एडीमा हो जाता है। ये सब क्यों देखने को मिलता है? जब लेफ्ट एट्रियम फेल होगा, जब लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आगे नहीं जाएगा तो क्या होगा कि पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लंग्स में कंजेशन हो जाएगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, पल्मोनरी कंजेशन होगी, जिसकी वजह से असर किस पर पड़ेगा? राइट वेंट्रिकल पर, क्योंकि राइट वेंट्रिकल से ही तो ब्लड लंग्स में जा रहा है ना पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। तो स्लोली सारे चैम्बर्स इन्वॉल्व होंगे, तो राइट वेंट्रिकल जब फेल होगा तो राइट एट्रियम पर असर पड़ेगा। तो अगर राइट साइड हार्ट फेलियर पर कोई अफेक्ट पड़ता है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हो जाता है अगर लेफ्ट एट्रियम में प्रॉब्लम आने की वजह से, तो क्या होगा कि ये जो इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा जो है, ये ब्लड हमारा कहाँ से ला रही है? हमारी बॉडी से। तो इनमें भी ब्लड बैकफ्लो होगा। तो सुपीरियरली तो ब्लड इतना नहीं जाता है, इन्फीरियरली जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो पेरिटोनियल कैविटी जो हमारे एब्डोमेन के अराउंड है और जो हमारी लेग्स हैं, वहाँ पर भी ब्लड वापस जाना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लड वहाँ बैक फ्लो होगा तो ब्लड हमारे लेग्स और एंकल्स में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये सिम्टम कब आएंगे? अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर प्रेजेंट होगा। नाउ नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक वैल्यूएशंस ऑफ मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस। सो अगर किसी पर्सन को मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस है तो हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे? सो फर्स्ट स्टेप आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। सो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या परफॉर्म करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर हेड टू टो एग्जामिनेशन परफॉर्म करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो हम उसको डिटेक्ट करेंगे, ऑस्कल्टेशन करेंगे, स्थेटोस्कोप के थ्रू हार्ट साउंड सुनेंगे। सो इसमें जो सबसे कॉमन हार्ट साउंड वो क्या है? जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लाउड होती है। तो सबसे कॉमन जो साइन है मिट्रल वाल्व स्टेनोसिस का वो ये है कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो लाउड होती है। फर्स्ट हार्ट साउंड तब आती है जब दोनों जो वॉल्व्स हैं वो क्लोज होते हैं, मिट्रल वॉल्व और ट्राइकस्पिड वॉल्व। सो मिट्रल वॉल्व इसमें फोर्सफुली क्लोज होता है, क्योंकि मिट्रल वॉल्व क्या है, यहाँ पर थिकनिंग हो गई है, उसकी स्कारिंग हो गई है, तो इसलिए वो फोर्सफुली क्लोज होता है। प्लस सेकेंड थिंग, क्योंकि जो प्रेशर है वो लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर इतना नहीं होता क्योंकि वहाँ ब्लड पास नहीं होता, इसलिए भी जो मिट्रल वॉल्व है वो फोर्सफुली क्लोज होता है, जिसकी वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड लाउड आती है। देन हार्ट मर्मर, हार्ट मर्मर प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हार्ट में एबनॉर्मल साउंड सुनाई देती है। स्टेथोस्कोप जब हम ऑस्कल्टेट करते हैं उस टाइम पर हार्ट मर्मरिंग सुनाई देती है। वो इसलिए सुनाई देती है क्योंकि जब जो ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम से जब लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है वो बहुत ही स्लो जाता है और बहुत ही मुश्किल से जाता है, डिफ़िकल्टी से जाता है, जिसके कारण हार्ट मर्मर सुनाई देती है। जबकि नॉर्मली क्या होता है कि ये जो मिट्रल वॉल्व है ये बिना कोई साउंड के मीन्स या फिर बहुत ही साइलेंटली, बहुत ही सॉफ्ट साउंड आती है जब ये क्लोज होते हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि हार्ट मर्मर भी सुनाई देती है, एब्नॉर्मल साउंड्स भी सुनाई देती है, प्लस साथ में ही जो फर्स्ट साउंड है वो लाउड होती है। नेक्स्ट इज जुगुलर वेन डिस्टेंशन, एसाइट्स, एडीमा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। नाउ जुगुलर वेन डिस्टेंशन, हमारी जो जुगुलर वेन है वो डिस्टेंड हो जाती है या फिर एसाइट्स, एसाइट मीन्स जो एब्डोमिनल कैविटी है वहाँ पर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। सो पेरिटोनियल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। एडीमा हो जाता है, एडीमा हमारी लेग्स में, एंकल्स में एडीमा होता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो हमारे लंग्स है उसमें कंजेशन हो जाती है। ये सभी साइंस किसके हैं? राइट साइडेड हार्ट फेलियर के। सो जब राइट साइड हार्ट फेलियर हो जाएगा ये साइंस दिखेंगे। देन एक होता है मालर फ्लश। सो मालर फ्लश क्या होता है? जब पल्मोनरी कंजेशन होता है, पल्मोनरी कंजेशन मीन्स जो हमारे लंग्स है उसमें फ्लूइड बिल्डअप होता है, तो वहाँ पर फ्लूइड रिटेंशन होने के कारण क्या होता है कि जो वहाँ के CO2 और O2 एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज है, वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर रिटेन रहती है। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन के कारण क्या होता है कि जो हमारी चीक्स होती हैं उनका रेड डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाता है। सो हमेशा जो चीक्स होती है वो रेड रहती हैं, प्लम रेड रहती हैं। तो रेड रहने का रीज़न ये है कि जो CO2 CO2 है वो क्या करता है कि वेन्स को डायलेट करता है। सो डायलेशन के कारण जो चीक्स हैं वो रेड रहती हैं। तो मालर फ्लश जो ये साइन है ये तब दिखेगा जब पल्मोनरी कंजेशन होगी, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी, जिसकी वजह से CO2 रिटेंशन होगी। CO2 रिटेंशन से चीक्स का कलर रेड हो जाएगा। सो ये मालर फ्लश एक टिपिकल साइन है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का। नेक्स्ट आता है एट्रियल फिब्रिलेशन। सो एट्रियल फिब्रिलेशन होता ही है जब लेफ्ट एट्रियम में प्रॉब्लम आ जाती है, लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज हो जाता है। सो एट्रियल फिब्रिलेशन होगा, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी वहाँ की। सो ये जो हार्ट बीट है वो यूजुअली 100 to 150 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट रहता है या फिर इससे भी इंक्रीज, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। नेक्स्ट आता है हमारा मेडिकल हिस्ट्री। सो ये सभी साइंस हम फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे। नेक्स्ट मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपको कभी रूमेटिक फीवर हुआ था, ठीक है, जो कि ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो कभी स्ट्रेप थ्रोट या फिर स्कारलेट फीवर हिस्ट्री में हुआ था, तो वो हम पेशेंट से पूछ लेंगे। नेक्स्ट इज एकोकार्डियोग्राफी। नाउ एकोकार्डियोग्राफी क्या होता है? इसमें हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स का यूज़ करते हैं टू डिटेक्ट इमेजेस ऑफ हार्ट। हार्ट की क्लियर इमेजेस लेने के लिए हम साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। तो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनमें ब्लड प्रेशर कितना है, वो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, लेफ्ट एट्रियम एनलार्ज हो गया है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम एकोकार्डियोग्राफी यूज़ करते हैं। एकोकार्डियोग्राफी बहुत ही करेक्ट टेस्ट है मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस को डायग्नोज करने के लिए। और प्लस हमें इसमें एकोकार्डियोग्राफी में ये भी क्लियरली दिख जाता है कि जो मिट्रल वॉल्व है उसमें कैल्सिफिकेशन तो नहीं है, कैल्शियम डिपॉजिट्स तो नहीं होंगे, हार्ड है, थिक है, स्कारिंग है मिट्रल वॉल्व्स में, सो वो भी दिख जाता है। या फिर पार्शली फ्यूज है, कॉन्जेनेटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो भी इसमें पता लग जाता है। नेक्स्ट इज चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे हम करते हैं लंग्स और हार्ट की इमेजेस देखने के लिए, लंग्स और हार्ट में कोई फ्लूइड बिल्डअप तो नहीं है, उसको देखने के लिए। ट्रांस ईसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम। सो ट्रांस ईसोफेजियल एकोकार्डियोग्राम क्या होता है? ट्रांस ईसोफेजियल मीन्स हम ईसोफेगस में एक इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में हम जो अल्ट्रासाउंड वेव्स हैं वो एमिट करते हैं। सो अल्ट्रासाउंड वेव्स एमिट करने से क्या होता है, क्योंकि ईसोफेगस जस्ट हार्ट के बिहाइंड है, हार्ट के पीछे है, तो जो हार्ट की क्लियर इमेजेस हमें ऑब्टेन हो जाती है जब हम ईसोफेगस में इंस्ट्रूमेंट को इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आता है कार्डियक कैथेटराइजेशन। नाउ कार्डियक कैथेटराइजेशन क्या होता है? इसमें हम जो हमारी वेन्स है, लाइक थाई की वेन है, नेक की वेन है, आर्म की वेन्स है, सो उससे हम एक कैथेटर, थिन कैथेटर होता है, बहुत ही थिन ट्यूब होती है, वो हम इंसर्ट करते हैं, तो वो हमारे हार्ट तक पहुंचती है। कार्डियक कैथेटराइजेशन, देन हम उसको एक्सरे से विजुअलाइज करते हैं, उसमें डाई भी इंसर्ट करते हैं। कार्डियक कैथेटराइजेशन का क्या बेनिफिट है? एक तो ये हमारी हार्ट की क्लियर पिक्चर्स बताता है, हार्ट के जो चैम्बर्स है उसमें कितना ब्लड प्रेशर है, ब्लड वेसल्स में कितना प्रेशर है वो भी बताता है, कोई क्लोट फॉर्मेशन तो नहीं हुई, कोई कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट तो नहीं है, तो ये सभी चीज़ें हमें कार्डियक कैथेटराइजेशन से पता लग जाती है। ये भी एक करेक्ट टेस्ट है, बट ये इन्वेसिव प्रोसीजर है, थोड़ा सा रिस्की होता है, सो कैथ लैब में परफॉर्म होता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ईसीजी। सो ईसीजी या फिर ईकेजी, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे हमें हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, उसका पता लगता है कि हार्ट में अगर कोई एरिदमिया हो रहा है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो वो हमें ईसीजी से पता लग जाता है। सो ईसीजी क्या करता है, हमें वन टाइम पर दिखा देता है कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस हैं वो कैसी है, हार्ट में एरिदमिया तो नहीं है। लेकिन अगर समटाइम्स क्या होता है कि जैसे मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस के पेशेंट हैं, तो अगर वो रेस्ट पर हैं तो हो सकता है कि उनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो नॉर्मल आए या फिर बहुत कम चेंजेस आए ईसीजी में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पर्सन के साथ एक डिवाइस इंसर्ट कर देते हैं, डिवाइस अटैच कर देते हैं, जिसको बोलते हैं होल्टर। सो दैट इज़ होल्टर मॉनिटरिंग। सो होल्टर मॉनिटरिंग क्या करता है, 24 टू 48 आवर्स के लिए पेशेंट के साथ वो अटैच कर दिया जाता है डिवाइस। तो उस डिवाइस से क्या पता लग जाता है कि अगर पेशेंट लाइक एक्टिविटी भी कर रहा है, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, स्ट्रेस, कोई पेशेंट फिजिकल स्ट्रेस ले रहा है, तो उस टाइम पर जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कैसी रहती है। सो थोड़े लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए अगर हमने हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगाना है तो हम होल्टर डिवाइस से पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेस टेस्ट या फिर कार्डियक स्ट्रेस टेस्ट। सो समटाइम्स हम पेशेंट को लिटिल बिट एक्सरसाइज करवाते हैं, ट्रेडमिल पर रन करवाते हैं, या फिर अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो कुछ ड्रग्स देते हैं जिससे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो उस टाइम पर हम स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं ताकि स्ट्रेस में हार्ट को देखा जाए कि स्ट्रेस में हार्ट कैसा परफॉर्म करता है, उसके फंक्शन को देखने के लिए। सो ये सभी टेस्ट हम मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस को डायग्नोज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। सो मिट्रल वॉल्व को हम कैसे ट्रीट करेंगे? सो फर्स्ट इसमें आता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम ड्रग्स का यूज़ करके, मेडिसिन का यूज़ करके मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस को ट्रीट करते हैं। वैसे इसका जो ट्रीटमेंट है वो बेसिकली सर्जिकल ही होता है, क्योंकि जो मिट्रल वॉल्स हैं वो थिक हो गए हैं, उसमें स्कारिंग हो गई है और वो कैल्सीफाइड हो गए हैं, या फिर अगर कॉन्जेनाइटल भी है, अगर वो पार्शली फ्यूज हैं, तो हम विद सर्जरी उसको ट्रीट कर सकते हैं। सो जो मेडिकल मैनेजमेंट है वो सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। सो इसमें फर्स्ट आता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स क्या करते हैं? ये हमारे हार्ट का जो वर्कलोड है उसको डिक्रीज करते हैं, प्लस जो हार्ट की जो इरेगुलर एक्टिविटी होगी है उसको ठीक करते हैं। सो कार्डियक ग्लाइकोसाइड दिए जाते हैं, जो हमारे हार्ट बीट है उस वो जो इरेगुलर होगी है उसको ठीक करने के लिए। सो दैट इज डायजॉक्सिन। नेक्स्ट आता है एसी इनहिबिटर्स, दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। सो एसी इनहिबिटर्स में एग्जाम्पल आता है कैप्टोप्रिल। एसी इनहिबिटर्स अगेन ये भी हार्ट पर जो ओवरलोड पड़ रहा है उसको डिक्रीज करते हैं, रिड्यूस करते हैं, प्लस हार्ट की जो इरेगुलर हार्ट बीट है उसको भी ट्रीट करते हैं। देन आता है डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करते हैं? डायूरेटिक्स को वाटर पिल्स भी बोला जाता है। ये जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया, चाहे वो लंग्स है या फिर लेफ्ट एट्रियम है, उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे। यूरिन आउटपुट इंक्रीज करते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो बॉडी में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। डायूरेटिक्स में क्लोर, थैलिडोन, फ्यूरोसिमाइड या फिर स्पायरोनोलेक्टोन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इज बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी अगेन या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। सो ये सब क्या करेंगे? ये हार्ट पर जो वर्कलोड है, ओवर वर्क पड़ रहा है लोड, उसको रिड्यूस करेंगे, प्लस साथ में ही जो हार्ट की इरेगुलर हार्ट बीट हो गई है, एट्रियल फिब्रिलेशन हो गया है, उसको भी ठीक करने में हेल्प करेंगे। सो दीज आर मेटोप्रोलोल और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का जो एग्जांपल है वो है डिलिटियाज़म। नेक्स्ट है एंटी एरिदमिक मेडिकेशन। एंटी एरिदमिक मेडिकेशन अगेन जो इरेगुलर हार्ट बीट है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एरिदमिया है, उसको ट्रीट करेंगे। इसका जो एग्जांपल है वो क्या है? एम्योडेरोन, जो कि यूजुअली यूज़ होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए। नेक्स्ट आता है एंटीकोगुलेंट ड्रग्स। एंटीकोगुलेंट ड्रग्स देने भी ज़रूरी है, क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में स्टेसिस हो रही है ब्लड की, सो उसको ट्रीट करने के लिए, ताकि कोई क्लोट ना बन जाए, सो यूजुअली वारफेरिन दिया जाए। सो नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस। सो मिट्रल वॉल्व स्टेनोसिस का जो फर्स्ट सर्जिकल मैनेजमेंट आता है वो आता है कॉमिशरोटॉमी। सो कॉमिशरोटॉमी में क्या करते हैं? इसमें हम रिपेयर करते हैं, सर्जिकली रिपेयर करेंगे हम मिट्रल वॉल्व की। कैसे करेंगे? दिस इन्वॉल्व्स ओपन हार्ट सर्जरी। सो ये एक ओपन हार्ट सर्जरी होती है, जिसमें क्या करता है सर्जन ट्राइज टू सेपरेट द फ्यूज लीफलेट इधर मैनुअली और विद सर्जिकल नाइफ। सो जो ये लीफलेट्स हैं, सो ये मिट्रल वॉल्व के लीफलेट्स हैं। सो दिस इज मिट्रल वॉल्व, दिस इज मिट्रल वॉल्व। सो सर्जन क्या करेगा? ये जो मिट्रल वॉल्व में स्कारिंग हो गई है, मीन्स ये जो टिश्यू है वो थिक हो गए हैं मिट्रल वॉल्व के, तो इसको क्या है, या फिर अगर वो कैल्सीफाइड हो गया, अगर यहाँ पर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, सो सर्जिकली इसकी रिपेयर करेगा। सर्जिकल नाइफ से ये जो एक्स्ट्रा और स्कार टिश्यू है या फिर कैल्सीफाइड टिश्यू है, इसको रिमूव कर देते हैं, या फिर मैनली भी इसको सेपरेट किया जा सकता है इन लीफलेट्स को। सो कॉमिशरोटॉमी में ऐसे सर्जिकली रिपेयर किया जाता है मिट्रल वॉल्व को। नेक्स्ट आता है परक्यूटेनियस बैलून वाल्वुलोप्लास्टी। ये बहुत ही कॉमन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जिकल प्रोसीजर है। सो परक्यूटेनियस बैलून वाल्वुलोप्लास्टी या फिर सिंपली इसको वाल्वुलोप्लास्टी भी बोलते हैं, या फिर बैलून वाल्वुलोप्लास्टी भी बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? बैलून का यूज़ करते हैं। बैलून का कैसे करते हैं? बैलून इज माउंटेड ऑन कैथेटर्स, आर गाइडेड इन टू द हार्ट थ्रू ब्लड वेसल इन द ग्रोइन, पोजिशन थ्रू स्टिनोटिक वॉल्व। फर्स्ट क्या करते हैं कि सपोज हमने ग्रोइन से कोई कैथेटर इंसर्ट किया है, फाइन। सो वो कैथेटर हम ग्रोइन की जो वेन्स है उससे इंसर्ट करते हैं। सो सपोज ग्रोइन से इंसर्ट करके देन ये जो कैथेटर है इसको कहाँ तक पहुँचाया जाता है? सो ये सपोज ये इन्फीरियर वेना केवा है। सो इस कैथेटर को, जो स्टिनोटिक वॉल्व है, सो ये एक स्टिनोटिक वॉल्व है, यहाँ पर इसमें स्टिनोसिस हुई है। सो ये क्या है? ये है मिट्रल वॉल्व। सो मिट्रल वॉल्व में स्टिनोसिस हुई है, सो यहाँ तक ये कैथेटर पहुँच गया, और इस कैथेटर के टिप पर क्या है? एक बैलून अटैच है। सो वंस ये जो कैथेटर है, बैलून है, यहाँ तक पहुँच जाएगा मिट्रल वॉल्व तक, तब हम इसको क्या करेंगे? इन्फ्लेट कर देंगे। सो जब हम इसको इन्फ्लेट करेंगे सो ये मिट्रल वॉल्व का ये जो बलून है ये फूल जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। जब ये बैलून इन्फ्लेट हो जाएगा तो ये जो मिट्रल वॉल्स हैं ये जो क्लोज हो गए थे, नैरो हो गए थे, तो ये सेपरेट हो जाएंगे। इनकी जो ओपनिंग है वो वाइड हो जाएगी। सो ओपनिंग वाइड हो जाएगी बैलून को इन्फ्लेट करने की वजह से। अगर बैलून पार्शली फ्यूज़ है तो भी उसकी ओपनिंग वाइड हो जाएगी, या फिर अगर किसी वजह से नैरो हो गए हैं, थिक हो गए हैं, तो भी टेम्परेरी जो है जो ये ओपनिंग है वो वाइड हो जाएगी। सो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है लेकिन काफ़ी टाइम तक रिलीफ देता है। सो इसलिए ये जो परक्यूटेनियस बैलून वल्वुलोप्लास्टी है ये काफ़ी टाइम बार करनी पड़ सकती है, यानी कि एक बार किया तो परमानेंट सोल्यूशन मिल गया। सो अगेन एंड अगेन ये परफॉर्म करनी पड़ सकती है। नाउ इसको एक बार इन्फ्लेम कर दिया तो इन्फ्लेम करके ये क्या होगा, इट एनलार्जेस, ये जो ओपनिंग है उसको एनलार्ज कर देगा थ्रू द वॉल्व एंड इम्प्रूव्स ब्लड फ्लो। जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा एंड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो जाएगा। सो वंस ये हो जाता है, ये सेपरेट वाइड हो जाती है ओपनिंग, तो इस बैलून को दोबारा से डिफ्लेट कर देंगे और दोबारा से रिमूव कर लेंगे। सो ये है सिंपली बैलून वल्वुलोप्लास्टी। नेक्स्ट आता है वॉल्व रिप्लेसमेंट। अब इससे भी क्योर नहीं हो रहा, ट्रीटमेंट नहीं मिला, इससे भी रिलीफ नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, वॉल्व को रिप्लेस ही कर देंगे। जो मिट्रल वॉल्व डैमेज हो गए हैं उसको रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेस कैसे करेंगे, मिट्रल वॉल्व इज रिप्लेस विद मैकेनिकल और टिश्यू वॉल्व। या तो हम मैकेनिकल जो कि हम मैनमेड होते हैं हमारे वॉल्व, वो यूज़ कर सकते हैं। सो जो मैकेनिकल वॉल्व होगा वो इस मटेरियल से बना होगा कि वो हमारी बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, जैसे कि टाइटेनियम मटेरियल से बना होता है। तो मैकेनिकल वॉल्व भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर टिश्यू वॉल्व। टिश्यू वॉल्व मीन्स हम किसी एनिमल का टिश्यू ले सकते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम एक पिग और काउ का एनिमल टिश्यू लेकर मिट्रल वॉल्व को रिप्लेस करते हैं। So if you understood this video, please like, subscribe and share to my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.